अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और अभी माशाल्लाह सहरी का टाइम है, सबको मैंने सहरी भी करवा दी, नमाज़ पढ़ ली, सब सो गए हैं। मैंने सोचा चले अपनी वीडियो शुरू करती हूँ, क्योंकि हमारे पास दो दिन से हो रही है बारिश, और बारिश इतनी ज़्यादा, पीछे भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और काफ़ी सारे काम करने वाले हैं। अब्बू यूके चले गए, अब्बू का वहाँ पे काफ़ी सारा जो था वो एक प्लान सेटल था। रमज़ान के प्रोग्राम्स थे, मौला अली की शहादत आ रही है, उस सिलसिले में थे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स। तो अब्बू चले गए हैं जी यूके। और हुसैन ने अब्बू की उदासी में ना काफ़ी ज़्यादा आज बुखार चढ़ाया है। हुसैन की तबीयत आज ठीक नहीं है, असल में वो अब्बू के साथ अटैच बहुत ज़्यादा है। और जिन दिनों में अब्बू आ जाए तो फिर अब्बू हैं और हुसैन है, बस इनका यही रहता है। तो अब्बू यूके चले गए हैं, अब्बू आएंगे अब ईद से 2 या 3 दिन पहले अपने सारे प्रोग्राम्स वगैरह अटेंड करके पढ़ के, और उसके बाद जो है ना ईद फिर हम सब इंशाल्लाह इकट्ठा ही करेंगे यहाँ पे। और हुसैन के लिए दुआ कीजिएगा, हुसैन का टेम्परेचर हुआ है, 1-2 दिन में इंशाल्लाह उतर जाएगा। और बारिश देखें कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, और बादल जितना है ना बारिश होगी मज़ीद। पौधे और फूल बहुत अच्छे हुए हुए हैं। चलें जी, मैंने भी नमाज पढ़ लिया, चल के सोते हैं और फिर आपसे मिलेंगे। चलें जी, आज जो है ना इफ्तारी में एक न्यू रेसिपी नैना बना रही है, स्पाइरल पोटैटोस। ठीक है जी, बाउल ये वही है जिसमें मैं जखनियाँ निकालती हूँ और बेचारा पीला ही हो गया। अभी ना आलू जो है बॉयल करके मैश किए थे, इसमें हम डालेंगे सिर्फ स्पाइसेस, कुछ नमक, इसे कहते हैं स्पाइरल पोटैटोस। अच्छा जी, चलें चाट मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च भी डालो, स्पाइसी ना कर लेना। अम्मी नमक, चाट मसाला, कुटी हुई सुर्ख मिर्च और क्या डालें इसमें? लहसुन पाउडर डालना। हाँ जी, जीरा डालो, अजवाइन डालो, हाँ लहसुन पाउडर भी डालो। चलो ये क्यों रोई जा रही है, जिद किस बात की? उसे खुद नहीं पता वो क्यों जिद कर रही है। चलो अब आप थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी अजवाइन भी डालो, ये इधर पड़ी है, और साथ एक इसमें डालना हमने अंडा। ये नहीं, ये नहीं, ठहरो। अच्छा जी, यहाँ पे ना नमक और काली मिर्चें, कुटी हुई सुर्ख मिर्चें, उसके बाद इसमें हमने डाला है चाट मसाला, उसके बाद इसमें डाला है एक अंडा और जीरा, अजवाइन, लहसुन पाउडर और ड्राई हर्ब्स और ये कहना कुछ भी। बस इसे मिक्स करेंगे, और अगर जिपलॉक है तो वो ले लें, अगर आपके पास जलेबियां बनाने वाली कोई चीज़ है वो ले लें। मैं वैसे देखती हूँ, अगर मेरे पास कोई सॉस की बोतल है ना उससे हम बनाएंगे। बस बैटर रेडी हो गया, इसे अब हमने ना फ्राई करना है, ये पतला पतला रखना है, स्पाइरल बनाने हैं इसके। बाउल आपने इग्नोर करना, ये मैंने यखनी डाल डाल के खराब किया है। बस ये पतला पतला बन गया है ना, अब आप इसे ना वो पाइपिंग बैग जो होता है ना, जब केक वगैरह पे करते हैं डेकोर वगैरह, वो बॉटल ना ले लें, लेकिन उसमें से बारीक बहुत निकलेगा। नहीं लेकिन इतना बारीक नहीं, वो तो बहुत नोजल बारीक है। एक बार फिर नोजल काटी थी आपने जलेबियां बना दी। चलो बैटर जो रेडी किया है ना हमने, इस बॉटल के अंदर उसे ना फिल कर लियो। ठीक है, और ना इसका किधर है मुँह, किधर है इसका मुँह पहले काटती हूं। चलें जी, इसके अंदर फिल करके ना अब हम बनाएंगे स्पाइरल्स। अब बनेगी जी स्ट्रॉबेरी स्मूदी, स्ट्रॉबेरी डाल लेंगे। स्ट्रॉबेरी मैंने नीट की थी, हालांकि इतनी सर्दी है लेकिन फिर भी ना कुछ कुछ खराब हो रही थी, अब नीट कर ली है मैंने। स्ट्रॉबेरी डाल लेंगे, एक केला डाला है, ये जो नैना कल शहतूत लाई थी, ये इतने खट्टे हैं ना, इनकी वजह से जो है ना आज बनने लगी है स्मूदी। और अभी हमने हैंडी ब्लेंडर से बनाएंगे, मैंने इसी बाउल में डाल लिया केला एक और शहतूत और स्ट्रॉबेरीज 5-7 डालेंगे, दूध और ब्राउन शुगर। चलें जी, आप देखिए ना हमने इसमें शहतूत और एक केला, कुछ स्ट्रॉबेरीज, हाँ वो कुशन के पीछे पड़ा, कुछ स्ट्रॉबेरीज और ब्राउन शुगर। ठीक है जी, इस दफ़ा ये वाली ले आए थे लेकिन ये दही में तो मेल्ट नहीं होती, अब इस तरह के इसमें डाली है जी ब्राउन शुगर। बस इसमें दूध डाल लेंगे, ब्लेंड करेंगे और मज़े की स्मूदी रेडी हो जाएगी। यहाँ जी हमारी डिश का हो गया मोए मोए और हुआ ये कि नैना भूल गई थी इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड होना है, तो ये बाइंडिंग नहीं हुए। अब ना हम लोग क्या करने लगे, हम ना इसे जिपलॉक में डालेंगे या पाइपिंग बैग में। अब ना मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चाट मसाला और ऐड किया, सारे आलू निकाले हैं और 3 बड़े चम्मच 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के ऐड किए हैं। बाइंडिंग कॉर्नफ्लोर से होनी है, जब आपने जो है ना खिलरों को बचाना है तो कॉर्नफ्लोर डालना है। ठीक है, ये ड्राई हो, ये कितने अच्छे बानी है, कितने अच्छे बने हैं, बड़े बहुत अच्छे बानी, लेकिन बानी इसी से रहे हैं हमारे, पाइपिंग बैग से कोई नहीं बने। आप डाल लो, अब मैं एक और डालूंगी जलेबी की तरह, इसे ऊपर से लॉक कर ऐसे, और ये बहुत मजे करें, बच्चे खा लेंगे ये स्पाइरल्स, बच्चे खाना करेंगे, मामा तो खा लेंगे।
कोई ना ना ठीक बन गए ठीक यार बहुत अच्छे बन इसको बस छोड़ ऐसे ओ माय गॉड ये देखो ये कितना प्यारा इसे लेकिन ना एक चीज छेड़ना नहीं है अभी आपने छेड़ना नहीं है जब तक ये फ्राई नहीं हो जाते अब एक यहाँ मेरा दिल है मैं और डालू डालो अपना रोजा 10 मिनट रह गया ये 12 मिनट का काम है उसमें जगह ही नहीं आए लो ये चलो कोई नहीं हो जाता है जगह तुमने डाला थोड़ी नहीं चलो हमारे बहुत अच्छे बन रहे हैं ठीक है जी और क्रिस्पी भी बन रहे हैं और कॉर्नफ्लोर से ही बाइंड हुए हैं वरना हमारे खुलने लग गए थे अब मैं थोड़ी सी आंच इसकी तेज करके ना कितना बहुत अच्छा बन रहा है हाँ चलो फ्रूट चाट भी बन गई स्मूदी जामुन जामुनी रंग हो गई है तुम इसकी ना चीनी एक दफा जो है ना चार क्यूब्स डाले तुम्हें एक्सपीरियंस थोड़ी चीनी और खट्टे हैं ये और क्या नाम है इसमें स्ट्रॉबेरी फ्रूट चाट में भी काटनी है अभी हमारी स्ट्रॉबेरी नहीं इस दफा इतनी अच्छी निकली माशाल्लाह जी हमारे पोटैटो स्पाइरल्स बड़े अच्छे रेडी हो गए और ये क्रिस्पी भी बहुत है मैं थोड़ा सा ना इसकी शेप को समझने में और बनाने में टाइम लगा इतनी आइडियल नहीं बनी लेकिन फर्स्ट टाइम ट्राई किया अच्छे बने एक मिनट है ना और इसी में बने हैं पाइपिंग बैग से मुझे नहीं बनाने आए इस बोतल से बनाए हैं इसकी नोजल को काटा था लेकिन बने बहुत ही ज़बरदस्त है क्रिस्पी है और बच्चे शौक से खाएंगे अच्छी चीज़ है लेकिन एक आधी दफ़ा और बनाएंगे तो इसकी शेप भी हमें बेहतर बनानी आ जाएगी और स्मूदी हमारी हो रही है रेडी फ्रूट चाट रेडी खजूरें धो के रखी हाँ चलें जी हमारी स्मूदी जो है ना वो रेडी हो गई है और जो शहतूत डाले हैं ना उस वजह से इसका जो है ना कलर पर्पल सा आया है लेकिन केला स्ट्रॉबेरी और शहतूत डाले बन गई है ब्राउन शुगर के साथ बहुत अच्छी बन गई है स्ट्रॉबेरीज में काटी है अभी अम्मी के लिए निकाल लेंगे चाट मसाला डाल के और हम थोड़ी सी मायोनीज डाल लेंगे और साथ साथ हमारे स्पाइरल्स जो है ना वो भी रेडी हो रहे हैं अच्छा जी आज ने नैना को जोश चढ़ा हुआ सफाई हुई है अभी मेडिसिन वाले सारे खाने की और ये इतनी सारी दवाइयाँ एक्स्ट्रा पैकिंग से इतना बड़ा शॉपर निकला है बेसिकली ना इसमें सारे घर में सब लोगों की जो है ना सारी दवाइयाँ होती हैं इसमें कुछ जो जी जी और यहाँ पे ब्रूफन एप्रिताल वगैरह क्योंकि पैरासिटामोल और ब्रूफन ही बच्चों को हाँ जी जी दो फरिश्ते एक लेफ्ट एक राइट अच्छा जी जी जब वीडियो बनाने लगू ना आगे पीछे मुझे पूछे ना पूछो दोनों मेरे सराहने मेमनी अच्छा मैंने इस दफा ना ये वाली अभी एक ना विटामिन सी की ली है क्रीम ये अब नाइट क्रीम आज से मेरा जहन हां जो कि मैंने आपको तुम्हें बताया कि आपकी पड़ी हुई है मैं ले लूं और ये हैंड क्रीम थी मेरी ये दोनों तो मैं अंदर ले जाऊंगी कोशिश करूंगी इसे यूज करूं बाकी यहाँ पे ना सारी कुछ बच्चों की स्किन की मेडिसिन है क्योंकि यहाँ स्किन इश्यूज कुछ होते हैं कुछ ऑयल्स हैं कुछ जो है ना कोई साशेस वगैरह हैं स्टमक के जी हाँ जी और इस तरह करके ना सारी हाय हाय जी जी सब मजाक ये देख ली ये खड़ी है ये माशाल्लाह चलने लगी जी मामा जी मामा जी मामा जी मामा जी मामा जी मामा जी 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 मामा जी मामा अच्छा जी थैंक यू जी अच्छा इन दोनों को ना ये मुझे कहती है मामा जी मैं इन्हें कहती हूँ ना जी नहीं इतना अच्छा लगता जी 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 अच्छा इन दोनों को इतना अच्छा लगता है ना ये मुझे मामा कहती है मैं कैसे कहती हूँ ना जी 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 इतना मैं खुशी हो जाती हूँ चले आपका रोजा था यहाँ फातिमा चले जी दो दिन की इफ्तारी जो है ना एक ही व्लॉग में आपको नजर आएगी व्लॉग बना ही नहीं सकी यहाँ बनाई थी दही भल्ले फुल्कियाँ दही फुल्कियाँ घर बना के ये हैं जी आलू खजूरें और यहाँ पे फ्रूट चाट बड़ी मजे की बनी मजे की बनी हाँ बहुत अच्छी बनी और अम्मी की जो है ना सेपरेट थोड़ी थोड़ी चीजें क्योंकि अम्मी प्याज नहीं खाती इसमें प्याज नहीं है सूट नहीं करता और फ्रूट चाट में मायोनीज नहीं खाती वो भी इनके अलग ही बनाई है और हुसैन अभी कुछ भी नहीं खा रहा और हयाम बैठी ना हनी मामू के साथ इफ्तारी कर रही है ले आओ ले आओ बैंगन ले आओ चलें जी ये लोग करते हैं इफ्तारी और मैं भी बैंगन ले आती हूँ बिग जायंट बैंगन बैंगन बहुत ही क्लासी लग रहे हैं जल्दी आ जाओ रोजा खुल गया होगा काफी थे इफ्तारी फ्रूट चाट दही भल्ले और आलू बैंगन हनीस मैंने बहुत पूछा कहा था ठीक है नहीं अब मैं निहारी बनानी है ना हाँ निहारी अभी जी इफ्तारी के बाद ना नैना और मैं जा रहे हैं मरका दोना से कुछ सामान लेने हमारे पास बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बादल देखें कितना ज़्यादा है अभी
बारिश होगी ठीक ठाक ही। और अभी निकल रहे हैं वर्खा दोना से ना, बच्चों के पैम्पर वाइप्स और कुछ ज़रूरी चीज़ें आने वाली हैं वो लेके आएंगे। और अभी हम ना इस साइड पे जा रहे हैं क्योंकि छतरी लानी याद नहीं रही और बारिश हो रही है अभी भी। अच्छा बारिश इतनी, वो भी लेना जो आपने मेरा तोड़ा है ना। मैंने तोड़ा नहीं है पागल, उसमें स्टॉलर लगा रही थी। मैंने मेरे साथ तो 4 सालों में ना टूटा, मेरे भी स्टॉलर ही लगाती थी। बदतमीज बरल जी, अब ना चीनो रहने दो कल से ही, अब नहीं मरका तो बारिश हो रही नहीं, कल ले लेंगे। बारिश इतनी ज्यादा हो रही, छतरी लाना ही भूल गए, पता ही नहीं चला, आज देखा ही नहीं, बाहर रफ्तारी करते ही वैसे होश मारे जाते, तो बारिश में सारे भीग गए। पहले इसकी तबीयत भी नहीं ठीक है, नैना का बिल्कुल फ्लू और जुकाम बुखार, गला बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा, एक रोज़ा होता है प्रॉपर मेडिसिन नहीं खाई जा रही। बरल जी पहुँच गए हैं और आज सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। चले जी, ग्रॉसरी हमने जो है छोड़ी जो रहती थी वो ले लिया, चिप्स ले ली बच्चों की, ओट्स आने वाले थे वो लिए हैं, कुछ दूध लिया है, मैदा लिया है और दही वगैरह लिया। अब लेने हैं जी वाइप्स, सिंगल तो नहीं पैक ऑफ 3 ही लेंगे, ये वाइप्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। और बच्चों का नहीं, मूसली नहीं लेनी, ये ठीक है। बच्चों का लेना है नहाने के लिए लिक्विड, वो देखो हाँ, ये शैम्पू है, ये जेल, जेल ही लेनी चाहिए, ये जेल अच्छी है। चलो आ जाओ, पैम्पर्स ले लें। चलें जी, सामान हमने अपना सारा ले लिया, अब चलते हैं नीचे बिल करवाते और घर जाएंगे, घर जाके चाय पियेंगे, इफ्तारी करते ही निकल आए थे और इस टाइम चाय की अशद ज़रूरत होती है। चलिए जी, 2 दिन में मेरा व्लॉग कंप्लीट हुआ है। हुसैन की तबीयत नहीं ठीक थी, व्लॉग बन ही नहीं सकता मुझसे, काम शाम काफ़ी है और बारिश जो है ना कंटिन्यूसली 2-3 दिन से हुए जा रही है, हुए जा रही, रुक नहीं रही। बारिश में सामान वगैरह भी लाया, लेकिन उम्मीद है कि एक आधे दिन में मजीद रुकेगी, लेकिन सर्दी बहुत ही ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा ठंड है। चलिए जी, ये थी आज की वीडियो, आपसे कल मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।